नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मिश्रित भिन्न का घटा कैसे किया जाता है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मिश्रित भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। आज हम देखेंगे मिश्रित भिन्न का घटा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक सवाल ले लेता हूँ, 3 2 बटे में 2 - 1 1 बटे में 3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है, इसको हमें क्या करना है, आपस में घटा करवाना है। ठीक है, तो घटा करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे सरल भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? सरल भिन्न में। तो सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो 2 को 3 से गुणा करवा दो। तो 2 को 3 से गुणा करवाओगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब 6 आने के बाद आपको क्या करना है, उसे 2 से जुड़वा देना है, जो 2 से जोड़ देना है। 2 + 3 = 6 आया, 6 में फिर 2 जोड़ देना। तो 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। बटे के नीचे क्या है? 2। इस 2 को आप यहाँ पर लिख देना, इतना आया समझ में। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगाओगे? माइनस। ठीक है, फिर 3 को 1 से गुणा करवा देना, 3 एकम 3, और 3 एकम 3 आने के बाद जो 3 आया ना उसे 1 से जुड़वा देना, 3 एकम 3, और फिर 1 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर बटे के नीचे 3 है तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 3। दोबारा से समझा रहा हूँ, 2 को 3 से गुणा करवाया, 6 में फिर 2 जोड़ा, 8, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा 4, और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बटे के जो नीचे 2 है और बटे के जो नीचे 3 है, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम तो पता है आपको 6 आएगा, बट मैं तभी भी दिखा देता हूँ। 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 3 से करेंगे 1 और 1। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। ठीक है, कितना आएगा? 6। 6 आने के बाद आपको एक बड़ी सी लाइन खींचनी है और यहाँ पर लिखना है 6। 2 के पहाड़े में 6। अब देखो आपको क्या करना है, बटे के जो नीचे 2 है, इस 2 को 6 से भाग देना। तो मैं भाग करके दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने 6 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा, 2 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3। 2 + 6, तो आप देख सकते हैं भाग में जो भागफल आया वो 3 आया। इस 3 को आप क्या करना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देना। 3 + 8 कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, फिर माइनस का निशान लगाना। 3 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है? 2 पे आता है। बिल्कुल वही प्रोसेस करना है, यहाँ पर 6 को अंदर डाल देना, यहाँ 3 को यहाँ लिख देना, 3 × 6, और ये कट गया। तो भाग में ये जो 2 आया, इसे 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देना। 2 × 4 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 8 होने के बाद आपस में क्या करना है, घटा देना। तो 24 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16। कितना बचेगा? 16। ठीक है, और बटे में कितना आएगा? 6। सही है। अगर ये दोनों किसी एक टेबल से कट रहे हैं तो आप काट भी सकते हो। जैसे ये दोनों किसके टेबल से कट रहे हैं? 2 के टेबल से कट रहे हैं। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 3 पे आता है। और 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है? 8 पे आता है। क्या ये दोनों आप किसी एक टेबल से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। ये 2 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। तो ये तो आ गया फाइनल आंसर, 8/3, ये फाइनल आंसर है। लेकिन किस में? सरल भिन्न में। अगर इसका आंसर आप मिश्रित भिन्न में निकालना चाहते हो, मान लो टीचर ने बोला मिश्रित भिन्न में आंसर निकालो, तो मिश्रित भिन्न में कैसे निकालते हैं? तो बटे के ऊपर जो भी संख्या 8, इस 8 को आप यहाँ लिख देना। ठीक है, और 3 को यहाँ पर लिखना। 3 के पहाड़े में 8 तो नहीं आता, 8 से जस्ट छोटा ले लेते हैं, 3 × 6, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। सही है। अब ये देखो, जिन जिन पे मैं सर्कल चला रहा हूँ, इन तीनों में सबसे नीचे कौन है? ये 2 है। तो आप क्या करना, बटे के ऊपर लिखना। लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 है वो इधर आ जाएगा नीचे, और ये जो 2 बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो, ये आपका आंसर आ गया मिश्रित भिन्न में। तो आप इस तरह से मिश्रित भिन्न का घटा कर सकते हो। तो ये था ये सरल भिन्न में आंसर, और ये था मिश्रित भिन्न में आंसर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, तो कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आया। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 7 1/2 - 1 1/3। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिसका आंसर सही आएगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगली वीडियो में हम करेंगे मिश्रित भिन्न का गुणा।